हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के क्या क्या नए क्वारंटीन रूल्स हैं और क्या क्या नए एयरपोर्ट के रूल्स हैं इसके बारे में। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक और दिल्ली NCR के बारे में बताया था। इनके वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेस्ट बंगाल में जो जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या रूल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले आपको क्या करना है, एक तो आपको आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी डाउनलोड करके रखनी है अपने मोबाइल में। इसके साथ साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है और वो सबमिट करना है यूजिंग ये जो संधाना ऐप है। संधाना ऐप, ये जो आप लिंक देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, इस लिंक से आपको ये जो ऐप है ये डाउनलोड करनी है और यहाँ पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ये देख लीजिएगा आप। इस लिंक के जरिए आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, संधाना ऐप। ये बहुत मैंडेटरी है, आरोग्य सेतु ऐप के साथ साथ आपको ये संधाना ऐप जो है ये डाउनलोड करनी है और इसके अंदर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। अब इसके बाद बात करते हैं थर्मल स्क्रीनिंग। एयरपोर्ट पे थर्मल स्क्रीनिंग सारे पैसेंजर्स की होगी। अब उसके बाद जो पैसेंजर्स सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं उनको जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे इस बीमारी के टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब लोग जानते हैं मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ जो हमारे पूरे देश में, हमारी दुनिया में फैली हुई है। मैं इसका नाम लेता हूँ तो YouTube मेरे वीडियो को थोड़ा इफेक्ट कर देता है। तो सिम्टोमेटिक पैसेंजर्स जो हैं उनको नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी पर लेके जाया जाएगा और उनको इस बीमारी का टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब जब तक इस बीमारी का रिजल्ट नहीं आ जाता आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन वहाँ पर करना है। और बाकी के जो पैसेंजर्स हैं, जो एसिम्टोमेटिक पैसेंजर्स हैं, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, उनको 14 दिन का क्वारंटीन करना है। अब जो जैसे सपोज जो सिम्टोमेटिक पैसेंजर्स थे जिनको इस बीमारी के टेस्ट के लिए भेजा गया था और जब तक इस बीमारी का रिजल्ट नहीं आया था उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है। उसके बाद उनका जो भी टेस्ट रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे उनको क्वारंटीन की गाइडलाइंस वहाँ के जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो बताएंगे। तो ध्यान रहे, आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखनी है और इसके साथ साथ आपको बहुत मैंडेटरी है संधाना ऐप, SANDHANA संधाना ऐप। यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। ये जो लिंक पे आप मेरे स्क्रीन पे फिर से देख रहे हैं ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो इस लिंक के जरिए आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप ये संधाना ऐप डाउनलोड करके एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। और आपको 14 दिन का होम क्वारंटीन करना है अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स हैं। सिम्टोमेटिक हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा हेल्थ ऑफिशियल्स की गाइडलाइंस के बेसिस पे, और वो भी डिपेंड करेगा केस टू केस। अगर जैसे किसी का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद वो कितना सीरियस केस है या कितना माइल्ड सिम्टम्स हैं उसको उसके बेसिस पे उसका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन डिसाइड किया जाएगा। तो ये सारी गाइडलाइंस थी वेस्ट बंगाल के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है और ये मेरा फेसबुक का हैंडल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।